आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष। जिला सोलन की कृष्णगढ़ उप तहसील कार्यालय में 73वां स्वतंत्रता दिवस नायब तहसीलदार बसंतराम ठाकुर की अध्यक्षता में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें पुलिस, गृह रक्षा विभाग और दमकल कर्मियों सहित राजस्व विभाग के विभिन्न पटवार वृत्तों के पटवारियों व स्टाफ सहित कृष्णगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले नायब तहसीलदार बसंतराम ठाकुर ने परिसर में तिरंगा फहराकर परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। उसके पश्चात राजस्व विभाग के कर्मचारियों और स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। राजस्व विभाग के पटवार वृत्त दाड़वा के पटवारी परवीन शर्मा ने है प्रीत जहां की रीत सदा गीत गाकर सबको इस गीत को गुनगुनाने पर विवश कर दिया। कृष्णगढ़ पब्लिक स्कूल से आए कला शिक्षक दिनेश ने अपनी प्रस्तुति से लोगों की खूब वाहवाही लूटी। आंगनवाड़ी केंद्र कुड़ाम के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए नायब तहसीलदार बसंतराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35A को हटाए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पूरा भारत एक ही रंग में रंग गया है, जो कि हर्ष का विषय है। आपका चैनल के प्रतिनिधि से की गई विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विजय पर्व को मनाते हुए उन्हें अपने भारतवासी होने पर गर्व महसूस हो रहा है। भविष्य में उनका ये प्रयास रहेगा कि इस स्वतंत्रता दिवस को एक भव्य समारोह के रूप में मनाया जाएगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज ये 73वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और आपने भी अपनी उप तहसील में मनाया, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है इसको मनाते हुए? आज जो 15 अगस्त का दिन 73वां दिवस मनाया गया है, ये हमारे एक बड़ा खुशी का अवसर है, क्योंकि इस दिन भारत जो है ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। और ये 15 अगस्त का जो दिवस है, ये हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है, और इससे जो हमें हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है कि अपने देशभक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए वो आगे है। क्या भविष्य में इसको उप तहसील लेवल का करना चाहेंगे आप? इस संबंध में मेरा विचार है कि तहसील लेवल पर तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सभी के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, सभी स्टाफ के सहयोग से, मैं आइंदा के लिए इस तहसील लेवल पर इससे और अच्छा बढ़िया फंक्शन उत्सव मनाया जाएगा। सर, जिस तरह से आज यहाँ स्कूल में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आपके स्कूल ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और आपने खुद यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिया है इस स्वतंत्रता दिवस पर, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और उत्साहवर्धन हुआ कि हमारे स्कूल को भी सम्मानित किया गया और सब लोगों की शिक्षा बढ़ती है और प्रेम बढ़ता है। ऐसे अगर उत्सव जो है राष्ट्रीय उत्सव,
ऐसे उत्सव मनाएंगे। आज जो आपकी उप तहसील कार्यालय में ये जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया गया, इसको लेकर आप कितने उत्साहित? पहले तो हम पूरे देशवासियों को जनता को मैं स्वतंत्रता दिवस बधाई देंगे, साथ ही देश को सबसे बड़ी बधाई ये है कि अब सारे देश का हाल एक ही किया है और हम आगे से कोशिश करेंगे भारत में इससे भी अधिक इस समारोह को मनाया जाए और इस समारोह को हम दीपावली और दशहरे से अधिक मनाएं, क्योंकि ये हमारी सबसे पहले आज़ादी इस चीज़ की जब इंसान को आज़ादी होती है वो सबसे बड़ा दिवस माना जाता है। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज 73वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाए, देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ पर बड़े उत्साहित है इसको लेकर, तो आपके अंदर का उत्साह क्या कहता है? इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह है, इस बार जब से मोदी सरकार और बहुत ही जो लोगों के मन में दबे हुए मुद्दे रहते थे उनके ऊपर एकदम से त्वरित उन्होंने डिसीजन लिया, जिस वजह से जो है लोगों में बहुत ज़्यादा जोश। इस बार ये जो स्वतंत्रता दिवस है बहुत ही अहम स्वतंत्रता दिवस है, पिछले जितने भी स्वतंत्रता दिवस है उनके प्राप्त हुए और मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे पूरी दुनिया में हर्षोल्लास का मनाया जा रहा है, हमारे कश्मीर में बहुत ही जोश और उत्साह से मनाया गया जैसा कार्यक्रम था, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती है देश प्रेम की, तो जो बच्चे यहाँ तक नहीं आ पाए उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा पूरे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, ये हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है ये पहले मैं जब छोटा था मैं आप लोगों की बात करता हूँ तो हम लोग बड़े उत्साह के साथ इसको मनाते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसमें लोगों की कुछ कमी आई है इसके बाद मनाते हैं, लेकिन दोबारा से ये मोमेंटम पकड़ेगा और मैं ऐसा ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी तरह से मनाया जाए और जो नए बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को और जितने भी लोगों ने जिन्हें कुर्बानी दी देश को आजाद करने में उनके माइंड में उसका एक फ्लैशबैक आए और उनके मन में भी एक देशप्रेम की भावना पैदा हो। कार्यक्रम के अंत में कृष्णगढ़ उप तहसील के नायब तहसीलदार बसंतराम ठाकुर ने आए हुए छोटे बच्चों को पुरस्कार बांटने के साथ साथ आए हुए सभी लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। स्थानीय लोगों और राजस्व विभाग कर्मियों ने स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं भी दी। कुठाड़ जिला सोलन से आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।